हे गईजू वेलकम बैक टू चैनल दैनल सुपरसोनिक आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप सेवन एट रेंज रोवर क्रैसेज इन इंडिया इसके अंदर हर टाइप की रेंज रोवर है चाहे वो पुरानी हो नई हो या फिर आप लोगों की ईवोक हो गई या फिर वेल हो गई तो सब के सब गाड़ियाँ इसके अंदर आती हैं यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाइड थोड़ी सी बात करते हैं रेंज रोवर या लैंड रोवर के बारे में अगर आप लोगों को एक ऐसी मशीन चाहिए जो कि ऑफ रोडिंग के उस्ताद हो तो वन ऑफ द बेस्ट गाड़ियों में से एक है रेंज रोवर या लैंड रोवर या फिर डिफेंडर किसी भी गाड़ी के ऊपर आप जा सकते हो भाई अमेजिंग ऑफ रोड केपेबिलिटीज़ है और साथ ही साथ में अपनो सेफ्टी फीचर्स भी आप लोगों को गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं बट वही कहते है ना इंसान की भाई गाड़ी आप कैसी भी कितनी महंगी ले लो करोड़ों अरबों की भी क्यों ना ले लो अगर मौत आनी है तो तो होनी ही होनी है खैर अपन लोग बात करते हैं बाकी सारी चीज़ों के बारे में अगर आप लोग प्राइस के बारे में पता करो तो जो लोएस्ट प्राइस मैंने अभी तक देखी है तो फिफ्टी नाइन लाख रुपीज़ से स्टार्ट होती है ये गाड़ी जो सबसे बेस वेरियंट आप लोगों को मिलेगा रेंज रोवर का और अगर आप लोग सबसे ज़्यादा खर्च करना चाहते हो जो इंडिया के अंदर कर सकते हो तो टू करोड़ रुपीज़ के आसपास में इसके ऊपर के वेरियंट चाहिए तो आप लोगों को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कराना पड़ेगा जिस पर आप लोगों को एक्स्ट्रा ड्यूटी पे भी करनी पड़ेगी यहाँ पर आपको डिफेंडर देखने को मिल जाएगी रेंज रोवर इवोक ईवोक हो गई विलार हो गई ये सारी की सारी गाड़ियाँ आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलती हैं अब अपन लोग बढ़ते हैं अपने जितने भी क्राइसिस हुए हैं जो कि टॉप सेवन क्राइसिस हैं इंडिया के अंदर सबसे पहला जो इंसिडेंट है ये है रेंज रोवर वेलार का जो कि एक गुजरात का बिजनेसमैन रहता है जो कि 43 थ्री ईयर ओल्ड का है वंथाली डिस्ट्रिक्ट के आसपास टाउन पड़ता है वहाँ पर वहाँ पर ये इंसिडेंट होता है जूनागढ़ करके कोई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ उसके आसपास में इस गाड़ी का जो प्राइस है वो अराउंड वन करोड़ रुपीज़ है ये गाड़ी का क्या होता है कि हाईवे पर जा रही होती है हाईवे वे पे जाने भाई ओबियस सी बात है कि हर बंदा अपनी गाड़ी को स्पीड नॉर्मली फास्ट ही चलाता है ठीक है गाड़ी होती है स्किड स्किड होने के बाद जो क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड पे जो आप लोगों थोड़ा सा ऑफ रोड टाइप का रास्ता रहता है उसके ऊपर जाने के बाद गाड़ी हो जाती है रोल ओवर रोल ओवर होने के बाद भाई जो छः के छः एयर बैग्स होते हैं गाड़ी के वो पूरे खुल जाते हैं गाड़ी का आप लोगों के सामने पूरा का पूरा हिसाब किताब पड़ा है जो कि जाके बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट करती है ऑलमोस्ट पूरी डैमेज हो जाती है गाड़ी और जो इसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर रहता है भाई वो ऑन द स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट क्या उसको ले करके जाया जाता है हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो आस पास में पड़ता है बट वहाँ पर मतलब नहीं बच पाता वो फिर उसकी फैमिली वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती है बट मतलब तब तक वो बंदा डेड हो चुका होता है नेक्स्ट इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट इंसिडेंट जो है ये है एक रेंज रोवर यूक का जो कि टाटा 709 ट्रक से वही साहब भिड़ती है यहाँ पर क्या होता है कोची पाइपलाइन सिग्नल कहीं पे कोई जगह है एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम रेंज रोवर जो होती है वो बंदा गाड़ी को चला रहा होता है काफ़ी ज़्यादा तेज़ और रेड लाइट रहती है और वो रेड लाइट को कर देता है रेड लाइट जंप जैसे ही वो जंप करता है जो ये ट्रक होता है वो सामने से आ रहा होता है जिसकी ग्रीन लाइट रहती है और ये बहुत ही बुरी तरीके से उसे टक्कर मारता है जो कि ट्रक जाता है बाइक पलट बहुत बुरी तरीके से गाड़ी में अगर आप डैमेज देखोगे रेंज रूवर में मतलब इट्स ठीक है ऐसा नहीं लग रहा कि ये काफ़ी स्पीड में किसी ट्रक से टकराई है लेकिन जो ट्रक की हालत है उसकी पूरी की पूरी जो पीछे के टायर्स होते हैं वो चैसी से अलग हो जाते हैं बहुत ही गंदी तरीके से ट्रक जो रहता है भाई वो लोडेड रहता है इस वजह से वो पलट जाता है और जो उसका टायर वायर रहता है वो सब कुछ बिखर जाता है जो ट्रक है वो एक बार टॉपल मतलब ओवरऑल घूमता भी है रोल ओवर भी हो जाता है और ये सब रीज़न के बाद जो रेंज रोवर रहती है वो अपना लॉ कंट्रोल लॉस्ट करती है उसके बाद जा के एक दीवार या फिर बाकी किसी चीज़ में टकरा भी जाती है नेक्स्ट इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं ये है अपना नंबर थ्री ये काफ़ी भयानक एक्सीडेंट था यार मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा भयानक ये होता है मैंगलोर के आसपास में कोई जगह पड़ती है कन्नुल रिटर्न ब्रिज है वहाँ पर कोई जहाँ पर ये गाड़ी जो ब्लैक कलर की रेंज रोवर रहती है स्पीडिंग कर रही होती है और ये गलती से जा कर के ये इमेज आप लोग देख लो ये जो यहाँ पे पिलर बने हुए हैं ना इसी पिलर से पूरी जा कर के हाई स्पीड पर सीधा सीधा लड़ जाती है बहुत ही गंदी तरीके से भाई गाड़ी जो है वो पूरी तरह से टोटली डैमेज है मतलब कुछ भी नहीं बचा आगे से तो कुछ भी नहीं बचा उसके बाद जो ये इमेजेस आप लोग बाद की देख रहे हो ये हम वहाँ से गाड़ी को उठा करके पुलिस स्टेशन ले करके जाया जाता है वहाँ पर रख दिया जाता है ड्राइवर की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ड्राइवर की कुछ हड्डियाँ जो हैं वो टूट जाती हैं क्योंकि भाई अगर आप सोचो सौ की स्पीड से आप सीधा अगर आपको ब्रेक मारने का चांस ही ना मिले और आप सीधा जाके किसी चीज़ से टकराओगे तो कितना मैसेव होगा वो तो इन बंदों की किस्मत अच्छी रहती है कि गाड़ी रेंज रोवर रहती है जिसमें टॉप नोच बाई फीचर्स आते हैं एयर बैग वेयर बैग सब खुल जाता है जो कि पैसेंजर की जान भी बचा लेता है और ड्राइवर की भी अब पैसेंजर की यहाँ पर बात करते हैं तो पैसेंजर में भाई कुछ लड़का कुछ लड़कियाँ बैठी रहती हैं गाड़ी के अंदर जिन्हें हल्के फुलके कि किसी को ज़्यादा किसी को कम चोट आती है तो ये काफ़ी भयानक है ये जो गाड़ी रहती है ओल्ड वर्जन है मतलब जो पुराने वाली जनरेशन है वो नेक्स्ट इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि अपना है नंबर फोर ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था क्योंकि जिस हिसाब से इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था बहुत ही भयानक ये है रेंज रोवर इवोक जो कि जिस गाड़ी की प्राइस 65 लाख लैख थी ये बेंगलोर सिटी के आसपास में इंसिडेंट होता है होता क्या है कि भाई एक फैमिली जाती है रेंज रोवर के शोरूम में और वो लेती है गाड़ी की टेस्ट राइड आप लोग नंबर प्लेट भी देख सकते हो जो कि बिल्कुल ही मतलब टैंप्रेरी नंबर है तो टेस्ट राइड लेने की वजह से लेते हैं बंदे और उसको करते हैं ओवर स्पीडिंग ओवर स्पीडिंग करने के करने की वजह से जो गाड़ी है वो अपनी स्टेबिलिटी खोती है उसके बाद भाई ये पूरी तरीके से कम से कम दस बारह बार पलटी मारती है पलटी मारने के बाद जो रेंज रोवर रहती है वो ख़त्म कुछ भी नहीं इसमें बसता बाकी जो ये क्रेन से उठाने वाली इमेजेस देख रहे हो ये सब जब इंसिडेंट हो जाता है तो भाई वहाँ से गाड़ी उठा करके पुलिस स्टेशन लाई जाती है तो ये कस्टमर रहता है जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है उसकी तो ऑन द ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है बट जो इसकी वाइफ रहती है और जो इनके बच्चे रहते हैं उन्हें माइनर इंजरीज़ आती हैं जो बंदा इनके साथ जाता है मतलब कार वो जो कार का स्टाफ रहता है जो डीलर का स्टाफ रहता है उसको भी काफ़ी हद तक चोट आती है बट खैर वो बच जाते हैं जो ड्राइवर रहता है वो तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है तो भाई यार क्यों करते हो ऐसा मतलब टेस्ट राइड एटलीस्ट बहुत से लोग मैंने देखा है मैं सबको नहीं कह सकता कि जब वो टेस्ट राइड लेने जाते हैं ना तो ऐसा सोचते हैं कि अरे हमारी गाड़ी थोड़ी है भगाओ बट जान तो आप लोगों की कि गाड़ी किसी की भी हो गाड़ी तो दोबारा आ जाएगी लेकिन आप लोग नहीं आ सकते तो ये चीज़ समझो अब है जो इंसिडेंट वो नेक्स्ट इंसिडेंट है ये दिल्ली का इंद्रलोक का इंसिडेंट है जहाँ पर एक गाड़ी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रही होती है दिल्ली के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा गुड़गांव। अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी लोग इतनी बड़ी गाड़ियों को भगाती हैं मतलब देखते नहीं है कि हाँ भाई सामने कोई है या नहीं तो ये गाड़ी जो है वो हिट करती है तीन गाड़ियों को ओवर स्पीडिंग की वजह से ब्रेकिंग सही से कर नहीं पाती उसके बाद ये हिट करती है एक बंदे को जो कि ऑन द स्पॉट डेट हो जाता है जो कि शायद मतलब कुछ कुरियर वाला या स्विगी जैसे डिलीवरी बॉय रहते हैं वैसे वो बंदा रहता है बहुत ही बुरी तरीके से उसको मारती है हॉस्पिटल ले जाते हैं बट हॉस्पिटल ले जाते ले जाते उसकी डेथ हो जाती है जो दो लोग इस गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं दोनों को क्या कहते हैं अरेस्ट कर लिया जाता है फिर उनकी चैकिंग वैकिंग कराई जाती है कि इन्होंने ड्रंक तो नहीं दारू वारू तो नहीं चढ़ा रखी थी या फिर बाकी कोई चीज़ें तो उनमें तो वो खैर मतलब नहीं पी रखी होती उन्होंने लेकिन फिर बाद में जो सीन होता है वो तो होता ही है जो सिक्स इंसिडेंट है वो है एक रेड कलर की डिस्कवरी का दिल्ली गुड़गांव का ये इंसिडेंट है वाटिका चौक पड़ता है पेरीफिरल रोड है वहाँ पर जहाँ पर ये गाड़ी ओवर स्पीडिंग कर रही होती है और ओवर स्पीडिंग करने के वजह से ये भाई हिट करती है दो लोगों को मतलब दोनों के दोनों को ऑन द स्पॉट हो जाते हैं कोई भी नहीं बचता बाद में ये गाड़ी ले जा कर के बंदा जो है वो छुपा देता है गाड़ी को या फिर कुछ ऐसा ही करता है फिर पुलिस भाई जाँच में लगती है सीसीटीवी भी चेक किए जाते हैं उसके बाद पता लगता है कि जो ये गाड़ी थी वो किसी फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को दे रखी थी चलाने के लिए जो कि बाद में मतलब पकड़ा जाता है फिर मतलब जो भी उसको जेल वेल होती है वो सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं नेक्स्ट और लास्ट इंसिडेंट ये है कृष्णागिरी का कृष्णागिरी से बेंगलोर ये बंदा जा रहा होता है और जो ये बंदा हो रहता है ये डायरेक्टर रहता है ऑफ फेमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का यही इमेज है जिसकी मुझे उतनी ओवरऑल डिटेल नहीं पता बस इतना पता है कि कृष्णा कृष्णागिरी से बेंगलोर की तरफ़ जा रहा होता है और जो ये रेंज रोवर रहती है ये भाई ओवर स्पीडिंग में पूरी बहुत गंदी तरीके से हिट करती है एक ट्रक को जिसमें कोई भी नहीं बच पाता ऑन द स्पॉट भाई डेथ हो जाती है जो ड्राइवर रहता है जो पैसेंजर रहता है कोई भी इस गाड़ी के अंदर नहीं बच पाता तो बाकी देखो यही था आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ में मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि इसके अंदर जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं वो ऑलमोस्ट ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए हैं कुछ रेड लाइट जम की वजह से हुए हैं कुछ भाई अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से हुए हैं तो हमेशा भाई सेफ़ ड्राइव करो क्योंकि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग 140 भगा सकते हो तो आप 120 पे रखो क्योंकि जितनी कम आपकी स्पीड रहेगी ना यार गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आसान काम रहेगा और जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी वो एक बार आउट ऑफ कंट्रोल गई तो फिर कोई तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में